गाइस रुकिए रुकिए रुकिए, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो अब आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। आइए देखते हैं मजा आएगा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका ऐसे में कि एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभय और आ चुके हैं अपने चैनल एडीएच अभय एडिट्स में। तो आज हम लोग किसी मैच की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे एक जंग की। जंग नहीं, जंग की यानी कि वॉर की बात करेंगे, जो है एक तरफ हमारे हैं किंग कोहली और दूसरी तरफ है मैंगो मैन। ये मैंगो मैन नहीं, ये मैंगो मैन। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों की बात करेंगे जो कि इस वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना हो तो कर दीजिएगा अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए याद से, क्योंकि अगली आपको वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी हंसी की। तो आप सब्सक्राइब करके जाइए और आपको वीडियोस रोज़ के रोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले हमारी प्रथा जो कि है इंट्रो, उसको लगाते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप 2023 की स्क्वाड में कौन कौन है। तो इसमें है हज़रतुल्ला साइदी, इब्राहिम जादरान, रहीमुद्दीन गुरबाज, रहीमा शाह, रियाज हसन, गुलबदीन नैब, नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद नबी, इकरम अलखिल, अजमतुल्ला उमर जाय, राशिद खान, शरफुद्दीन अशरफ, अब्दुल रहमान, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी, फरीद अहमद और हमारे मैंगो मैन उर्फ नवीन उलग। तो ये है अफगानिस्तान की स्क्वाड इस साल वर्ल्ड कप 2023 के लिए, अफगानिस्तान के स्क्वाड। और इस स्क्वाड को मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई देख के सबसे ज़्यादा खुश हुआ होगा तो विराट कोहली होंगे। वो खुद नवीन उलग भी नहीं इतने खुश हुए होंगे जितने विराट कोहली खुश होंगे, क्योंकि उनके तो अंदर का मज़ा ही आ गया होगा एकदम से कि अब इस बार अपना बदला लेगा मैं पूरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस आपको ये मैच तो याद ही होगा कि जिसमें नवीन उलग और विराट कोहली की आपस में थोड़ी बहस हो गई थी, क्योंकि नवीन उलग की जल गई थी, वो अपने सह नहीं पाए थे, क्योंकि जब वो कर रहे थे तब कुछ नहीं, जब इन लोगों ने कर दिया तो उन लोग की जल गई, तो वो लोग सह नहीं पाए, इसलिए नवीन उलग थोड़ा अपने तेवर दिखा रहे थे विराट कोहली को। जली ना तेरी भी जली ना, उन्होंने उनका हाथ झटक दिया जिसकी वजह से थोड़ा बवाल हो गया था। तो गाइस ये तो आपको याद ही होगा, आप ऐसे भी कहाँ कंट्रोवर्सी भूलते हो, कुछ अच्छा खुद से याद ना हो लेकिन लड़ाई झगड़े तो आपको बराबर याद रहते, ये तो मुझे पता है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? तो गाइस मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि विराट कोहली बदला लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि विराट कोहली हमेशा लगभग बदला ले ही लेते हैं। याद है आपको एक विलियम्स नाम का बंदा हुआ करता था, कोई वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी, जिसने उंगली की थी विराट कोहली को, फिर उन्होंने बाद में जवाब दिया था उस सिग्नेचर साइन करके, वो आपको याद ही होगा। तो वही उसी के बेसिस में बता रहा हूँ। और ये अभी जो RCB और लखनऊ का मैच हुआ था, इसमें पहले लखनऊ वालों ने उंगली की, फिर उनको ही वापस उनका जवाब मिला। तो इसी बेसिस में बता रहा हूँ कि बदला पूरा होता है। तो गाइस बदला पूरा होगा। तो गाइस जो भी लोग नवीन उलग के साइड है उनके लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, गद्दारी कर बे। अगर गाइस अफगानिस्तान में कोई जो सबसे अच्छा खिलाड़ी जो मुझे लगता है, वो मुझे लगता है राशिद खान, क्योंकि भाई राशिद खान की तो बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग बहुत अच्छी है, और वो बंदा ही बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको आपने देखा होगा तो हमेशा IPL में या कहीं भी हो खिलाड़ियों से अच्छे से बात करता है एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो वो भाई बंदा ही बहुत अच्छा है। तो मुझे तो सबसे अच्छा अफगानिस्तान से वही लगता, और उनका कप्तान मोहम्मद नबी, उसका भी नेचर अच्छा है। अफगानिस्तान में सारे खिलाड़ी अच्छे हैं सिवाय कुछ को छोड़ के। बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशल विराट कोहली वर्सेस नवीन उलग के लिए बनाई थी, अब उनकी तो बात इसमें कवर हो गई, तो ये वीडियो में बस इतना ही है। तो गाइस अगर आप चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे अच्छा लगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।